पत्ते बल्ला कहते हैं और मैं सब निकाल रही हूँ पत्ते। अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज मैं खट्टा सालना बनाने वाली हूँ और नाश्ते में दोपहर के वास्ते भी थोड़ा लेट से उठी हूँ और बैंगन आलू डाल के खट्टा सालना बनाने वाली हूँ और मसाला पूरा निकाल कर रख ली हूँ। बच्चों को बोली हूँ उठो और को, और रेहान को है ना खांसी सर्दी आ गई है, इसके वास्ते उनको रेहान को भेजी नहीं आज मैं स्कूल को, और गनी को भेजती हूँ स्कूल को, स्कूल जाता है गनी एक जना। और अभी उठे ना ही ना उठो और को बोल कर ही हूँ, और ये सारे मसाले निकाल के रखी हूँ यहाँ पर मैं खट्टे सालने के वास्ते। और मैं ना खट्टे सालने में करपाक भी डालती हूँ और राया भी डालती हूँ, टमाटे सब कट करके अच्छे से रख ली हूँ। मैं ना सालने में थोड़ा ऑयल कम डाली हूँ और कम यूज़ करेंगे लिए अब से है ना ऑयल कम करेंगे और को मैं बोल लेती हूँ और देखेंगे इंशाल्लाह कम कर सकती हूँ कि नहीं, कि टेस्ट के टेस्ट हनार को डाल देती हूँ क्या है कि मैं ना कम करेंगे को बोल लेती हूँ। आजकल है ना बिना तेल के भी खाते हैं, मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ, मैं भी बिना तेल का भी बनाते हैं सब, पानी से भी बनाते हैं। मैं देखो अरे ऐसा भी बना खा सकती हैं अगर वो बोली, और मैं ना बिना तेल का नहीं इसका नहीं जान दे, ऑयल तो भी तेल तो भी थोड़ा कम कर डालेंगे अगर को। एक जने बोलती नहीं तेल खाओ, एक जने बोलती नहीं तेल खाओ अगर को बोलती, और कम तेल से क्योंकि एक एडजस्ट कर लेंगे और को बोल लेती हूँ। कान देखे तो भी कैसा नहीं तो कैसा है ना, एक एक रकम की एक रकम जगह तबीयत बिगड़ जाते हैं, और देखेंगे इंशाल्लाह कब तक मैं ऐसा कंट्रोल कर सकती हूँ कि हमें किस दिन कंट्रोल में करना कहती हूँ कि उस दिन ही ना क्या तो बना को खाएंगे, क्या तो भी तल्ले को खाएंगे, बड़े डालेंगे, भजियाँ डालेंगे, उस टाइम पहुँचना हमारा दिल भी ऐसा चकवाता है। आज डालना है मैं भी, अब क्या करना है कि क्या है कि अब चलो बड़े बच्चे तो भी खा लेंगे, सालने में तो कम कर लेंगे। बच्चों को क्या तो स्नैक्स आइटम पका देना को तो भी थोड़ा होता, फिर बच्चे भी क्या तो पका देते नहीं को बोल लेते हैं, बच्चों के वास्ते फ्री से छोड़ डालना। मैं ना झाड़ा सब यहाँ पर रख डाली हूँ, ये देखो लाइन से रख डाली यहाँ पर, धूप आती है हाँ दोपहर के बाद से, और देखो धूप अब भी निकली है, अच्छी आती है, अच्छी खासी आती है धूप। और ये है ना मुझे कलर बड़ा पसंद है ये फूलों का, और मैं इसे ये यहाँ पर एक कोने में रखता हूँ मैं इसे इस साइड, और अच्छे भी इससे ही ऊपर नहीं रखी, एक तो ऊपर एक टाइम जा चूँ एक टाइम नहीं जा चूँ पानी डालने के वास्ते, इसके वास्ते झाड़ क्या रखना करने का मन होता है इंशाल्लाह। और थोड़े जड़ा कब तो अभी लाइस्ट टाइम को भीड़ ना डाल चूँ रख चूँ ऊपर, और यहाँ फिलहाल इनको यहाँ रख को रखता ली हूँ। और मैं प्लेटा ले और को बोली वो एगड़ी के नीचे बहुत कॉस्टली बोलती है, एक प्लेट 25-30 रुपए बोलती है, वो एगड़ी रखते ही जुड़ी जाती है उतनी पतली है। और मैं ना घर में प्लेटा पुराने पड़ गए, फाइवर के प्लेटा ने वो नीचे रख डाली हूँ, पुराने पड़ गए हैं तो, और घट भी ही है, और उन्हें दे दी थी एकदम पतले एकदम तुड़िए जैसे थे, इसके वास्ते पूरा देखो मैं लाइन से यहाँ भी वहाँ तीन झाड़ यहाँ तीन झाड़ रख डाली हूँ। ये है ना रेहन के डैडी को पसंद है ये तीन झाड़ा, इनके पसंद के है, और ये भी पसंद है इसके वास्ते ये भी उठा ली झाड़ गुमचिनी का, एक गिटी में दाम डाली हूँ, और ये झाड़ भी और ये झाड़ यहाँ रखता है। सब एज वर्सेस हैं सब, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक ये लाइन से लगता रही हूँ पूरा अच्छे से, येरू दाल को मट्ठी दाल को अच्छे से रखते रही हूँ, पानी भी डाली हूँ प्लेटा में, पानी भी खड़ा है प्लेटा रखता रही नीचे पानी गए नहीं सका उसके। पत्ते बल्ला गए थे और मैं सब निकाल डाली हूँ पत्ते, कई को तो यहाँ पूरे ना ख़राब हो गए सब पत्ते थे, ख़राब हो गए सब पत्ते पड़े तो भी कीड़ जमा होती इसके वास्ते, और सूखी ढाले आती ना वो भी कतरा दे तो दूसरी ढाली आने की चांस रहती, इसके वास्ते मैं सूखे पत्ते पूरे निकाल आ ली हूँ, सिर्फ ये झाड़ को ऊपर के पत्ते रखी हूँ, बल्ला के सारे ढालियाँ पत्ते कट करा ली हूँ, और इनको भी
फूल यूँ टिकना नहीं ज़्यादा देर, ज़्यादा दिन फूल टिक गया का ना ग्रोथ होना से इसका बड़ा होने का ये हो जाता है। इसके वास्ते मैं इसे सब जगह ऐसे कट करके रखी हूँ, सूखे ढलियाँ कट करा ली हूँ, वेस्ट फूल कट करा ली हूँ, सूखे हुए फूल से फूल हूँ छोड़ना नहीं, और दूसरे दूसरे जगह से फूल आने का कम हो जाता है, झाड़ को फूल आने का कम हो जाता है, और पत्ते भी सूखते गए निकालते जाना, ढलियाँ ख़राब हो ढलियाँ निकालते जाना, नहीं तो झाड़ भी ख़राब हो जाता है। और इसे नहीं, इसे क्या भी नहीं, पूरा अच्छे से था, इसके वास्ते इसे क्या भी करी ना हूँ झाड़ को, और इन दोनों को सूखे पत्ते और ख़राब पत्ते सब थे हम सब क्लीन करके झाड़ को अच्छे से रखे हैं छोटे छोटे फूलों के। बटन के जैसे ही फूल होंगे इसे, ये भी है ना सूखने आ गए फूल, इसे भी तोड़ डालना, अभी तोड़ डालते हैं इसको, छोटे तो भी खट्टे हैं, देखो सूखा है फूल भी, और ये है ना ये तोड़ेंगे बल्ली, कली है भी अंदर है, बड़ा होता है ये फूल है टाइम, और इसे ऐसे मैं ना भाई एक पाँच छः फूल तोड़ डाल चूँ, फूल तोड़े तो चे झाड़ भी अच्छा रहने का, फूल हूँ रखे करना झाड़ है ना ये हो जाता है खराब, कितने दिन हम ना कोई एक दो तीन दिन खिला वास्ता रख ले सकते, कम से तोड़ डालते रहना, और ये लगा ले भी सकती हूँ फूला, देखेंगे बाँस अच्छी है, सुन को देखी गुनचुनी की फूलों की बाँस अच्छी है, इसे भी एक तीन चार फूल तोड़ डाल चूँ इसमें के। ना पड़ा पोस्ट हाउस भी लाई पड़ा बिस्मिल्लाह पे पड़ा पड़ा शीन 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 है मेरे, इसे सीन बोलती है शीन बोलती हैं, अच्छा ले पढ़ पढ़ आइन आइन गाइन हाँ गाइन ए गिरता है ये ना जो आलू की भजी और कैप्सिकम की भजी डालने वाली हूँ, अजीज बोली आयल के बारे में और अजीज शुरू कर डाली फिर से मैं यहाँ पर, मैं ना तो चना का आटा ली हूँ और पानी ली हूँ, कैप्सिकम कट कर ली हूँ, ऐसे आलू भी बारीक कट कर ली हूँ, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, हल्दी डाली हूँ और थोड़ा अजवाइन डाली हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी हल्दी सॉल्ट डाली हूँ, थोड़ी अजवाइन भी डाली हूँ इसमें, थोड़ा सोडा डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली थोड़ा डाली हूँ, और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और इसमें जो कट करी थी आलू के पीस वो कैप्सिकम के पीस इसमें डाल डाली हूँ, और इसमें ऑयल गर्म होने के वास्ते स्टोव पे रखी हूँ, और इसे एक एक डुबा कर इसमें छोड़ दी जाए, जो ऑयल में ना वो थोड़े डाली हूँ, डालते समय स्टोव पर इतना बल्ला का पड़ गया, स्टोव ग्रीज हो जाता, क्या तो भाई बड़े क्या तो डालने गए तो बस डोसा स्टोव ग्रीज हो जाता, ये सब डाल डाली हूँ, देखो कैप्सिकम के भजी आलू के भजी सब डाल डाली हूँ, बच्चे वेट करती हैं देव कर को, और लगे आग दिखता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।